नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके ग्रुप डी रेलवे। ठीक है, तो आप लोग ने दोस्तों काफी बच्चों ने काफी मेहनत से पेपर दिया था ग्रुप डी रेलवे का, तो उसकी आंसर की ऑफिशियल आ चुकी है। उसको डाउनलोड कैसे करना है सब कुछ जानेंगे दोस्तों। ठीक है, आपके RRB रेलवे के आंसर की ऑफिशियल आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, ये आपके लिए बड़ी न्यूज है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, कल से ये वेबसाइट बिल्कुल रो रो कर चल रही है और काफी बच्चे कह रहे हैं, सर जी ऑफिशियल आंसर की आगे हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको पूरा सिखा देंगे कि आपको ऑफिशियल आंसर की कैसे डाउनलोड करना है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हो, तो पहले दोस्तों आपको चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि हम पूरी विधि जान सके कि इस वीडियो को अंत तक आप समझ जाएंगे दोस्तों कि आपको आंसर की ऑफिशियल कैसे डाउनलोड करनी है। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो आप लोगों को बिल्कुल पता चल जाएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपकी नौकरी लग रही है या नहीं लग रही, सब कुछ जान जाएंगे एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा, वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, कैसे करना है तो आइए देखते हैं इसका पूरा प्रोसेस, इसकी पूरी विधि क्या है, कैसे डाउनलोड आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमें सर्च क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे RRB ऑफिशियल साइट, देख रहे दोस्तों ऊपर वाला, क्लिक करेंगे। क्या क्या लिखा हमने, RRB ऑफिशियल साइट। उसके बाद दोस्तों, हम सबसे पहले आएंगे ये देखिए वाली वेबसाइट, क्या लिखा, RRBCB.government.in। ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको जहां का रिजल्ट देखना हो, जैसे मान लेते हैं हमको इलाहाबाद का देखना, तो इसमें क्लिक करेंगे दोस्तों ऐसे। ठीक है, इलाहाबाद रीजन वाले बच्चे कैसे देखेंगे, तो देखिए दोस्तों ये आपकी वेबसाइट खुल गई है। और देखिए दोस्तों, आपके सामने 11 तारीख की डेट शो रही है, 11/1/2019। तो इसमें आप क्लिक कर देंगे ऐसे। तो दोस्तों देखिए, आपका ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है और आपको देखना है दोस्तों आपको आंसर की ग्रुप डी में। तो यहाँ पर लॉगिन में ऐसे क्लिक कर देंगे दोस्तों बस। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि ऊपर लिखा है डेट एक्सपायर्ड। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या लिखा है, डेट एक्सपायर हो चुकी है। तो लेकिन दोस्तों ये ऐसा कुछ नहीं है, डेट एक्सपायर नहीं हुई है, थोड़ी देर में ये फिर से साइट वर्क करने लग जाएगी। दोस्तों होता है ना, जैसे काफी बड़े रिजल्ट्स आते हैं तो ऐसा ऐसा हो जाता है दोस्तों। अगर आप जैसे मान लेते हैं गोरखपुर का देखना चाहते हैं या कोलकाता कहीं का भी देखना चाहते हैं, रांची पटना, तो पटना वाले बच्चे यहाँ पटना में क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही सभी में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए CBT Level 1 पोस्ट, यहाँ भी वही आ रहा है, लॉगिन में आप क्लिक करेंगे। और दोस्तों क्या लिख के आ रहा है आपके स्क्रीन पर, द लॉगिन टू फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन 11/1/2019 20 आवर, मतलब 8:15 से लेके 12 तारीख के 0:30, मतलब इतनी जल्दी दोस्तों आपका एक्सपायर नहीं होता, क्योंकि भी आपका ऑब्जेक्शन वाला सब फिल करने को आएगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर आपको देखना नहीं आता, आप लोग बिल्कुल सही तरीके से भी कर रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि हम कोई गलती कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। काफी बच्चों ने चंडीगढ़ से भरा था, तो चंडीगढ़ की वेबसाइट देख लेते दोस्तों। ऐसे ही चंडीगढ़ में देखिए सामने है ना चंडीगढ़, तो इसके सामने जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे ऐसे, तो क्या खुलेगा देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, इनकी वेबसाइट काफी स्लो हो चुकी है। रीजन ये है कि काफी बच्चे, मतलब 2 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वेबसाइट स्लो हो गई है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी साइट वर्क करेगी। चलिए और देख लेते हैं, अगर जो बच्चे चेन्नई हो गए, गुवाहाटी हो गए, अजमेर हो गए, बेंगलोर हो गए, भोपाल हो गए, दोस्तों इतनी वेबसाइटें देख लीजिए आप लोग, कितनी जगह से बच्चों ने फॉर्म भरा था। देखिए जैसे दोस्तों, इसमें सबसे खराब वेबसाइट चल रही तो वो चंडीगढ़ की है, हमारा नेट काफी तेज है। चलिए दोस्तों, जैसे आपको मान लेते हैं आप लोग, हाँ, कौन से रीजन का देखना चाहेंगे दोस्तों बताएंगे आप लोग। तो मान लेते हैं जैसे आप लोग अहमदाबाद का देखना चाहते हैं, तो ऐसे क्लिक करेंगे अहमदाबाद की। तो दोस्तों ये आपकी देखिए शो हो रही है ना वेबसाइट, यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट, ये तो आपका ALP का रिजल्ट भी आ रहा है दोस्तों। तो देखिए सभी की वेबसाइटों में ऊपर शो हो जाएगा, न्यू करके आएगा दोस्तों, तो इनका न्यू नोटिस कहाँ पर आ रही है, देखिए ये आ रही ना, तो इसमें आप क्लिक कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या न्यूज आ रही है कि आपको क्वेश्चन पेपर का दोस्तों डेट देख के आ रहा है, व्यूइंग आप क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स ऑफ किंग द ऑप्टेड सिलेक्टेड, मतलब इसका मतलब ये कि आपका आंसर की 11 तारीख से शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप ऑब्जेक्शन को 14 तारीख तक भर पाएंगे, मतलब 5 बजे तक। देखिए 17:00 आवर्स का मतलब होता है शाम के 5 बजे तक। और जो आपका क्लोजिंग द ऑब्जेक्शन रेजिंग पेमेंट एंड विंडो है ना दोस्तों, ये 19 तारीख को खत्म हो जाएगा 23:59 पर, मतलब आपके रात के 12 बजे ये समाप्त हो जाएगी तिथि। तो दोस्तों आज हमने आपको पूरा तरीका बता दिया कि आपको कैसे होगा। देखिए दोस्तों एक चीज और लिखा है यहाँ पर, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन करना होगा तो ₹50 पर क्वेश्चन। ठीक है, इन केस द ऑब्जेक्शन रेज इज फाउंड टू बी करेक्ट,
फी पेड अगेंस्ट सच वैलिड ऑब्जेक्शन शैल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, इसमें ये लिखा है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्शन करना होगा तो आपको 50 रुपए की राशि देनी पड़ेगी। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही पाया गया तो वो 50 रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग तैयार रहिएगा, 50 रुपए से घबराइएगा मत, ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा। देखिए अभी भी चंडीगढ़ की वेबसाइट नहीं चल रही है, तो सबसे खराब वेबसाइट अगर किसी ने बना रखी है तो वो चंडीगढ़ वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने है RRB चंडीगढ़, आपके सामने दोस्तों हमने 3 वेबसाइटें खोली, सबकी वर्क कर रही है, सिर्फ ये चंडीगढ़ वालों की नहीं कर रही है। तो जिन बच्चों ने चंडीगढ़ से भरा तो आप थोड़े से निराश हो सकते हैं दोस्तों, उनकी वेबसाइट काफी स्लो है। तो दोस्तों ये पूरा तरीका रहेगा आपको, आपका एडमिट मतलब जो आपका आया है उसमें एडमिट कार्ड से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल के इस पर लॉग इन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को ग्रुप डी में जो बच्चों ने भरा तो बिल्कुल घबराइए मत, थोड़ी देर में वेबसाइट वर्क करेगी। लेकिन चंडीगढ़ वालों के लिए थोड़ी बैड न्यूज है, काफी स्लो चल रही थी, चलिए अब तो थोड़ा बहुत साइट वर्क किए। लेकिन दोस्तों देखिए अभी चंडीगढ़ के वेबसाइट पर कहीं पर भी 11/1/2019 का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, मतलब यहाँ पर जो काम कर रहे हैं आदमी लोग आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये देखिए लास्ट नोटिफिकेशन 9/1/2019 का है, मतलब 9 जनवरी 2019, जबकि आंसर की डेट आपकी 11/1/2019 थी, तो क्यों नहीं अपडेट की गई दोस्तों? तो इस पर एक बड़ा सवाल है। तो चंडीगढ़ वाले भाई लोग जो वहां पर काम कर रहे हो थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 करोड़ बच्चों की बात है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना काम सही सुधारिए। तो दोस्तों आप लोग कहीं पर भी हो, ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट से कहीं पर भी पेपर दिया हो, तो देखिए अहमदाबाद से लेके पूरी एक जगह कीजिए, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए लिखा है www.rrcb.government.in, तो ये वेबसाइट है दोस्तों, इसको हम यहाँ पर कॉपी करके आपको दिखा देंगे कि कैसे आपको करना है काम। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो शो हो रहा है ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है RRB की, आप यहाँ से जाके अपना रिजल्ट बहुत ही आसानी के साथ, आप कहीं भी रहते हो इंडिया में, अहमदाबाद से लेके तिरुवनंतपुरम, कहीं भी देश में, चेन्नई में रहते हो, मुंबई, गुजरात, जहां का भी देखना हो, अहमदाबाद, दिल्ली, किसी भी रीजन का दोस्तों आप यहाँ से देख पाएंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrcb.government.in/rrbs.html। दोस्तों ये आप सर्च करेंगे गूगल पर जाके अपने सर्च विंडो में, तो सबसे पहले आपको जो वेबसाइट मिलेगी आपको इसी में क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अपना ऑफिशियल रिजल्ट दोस्तों सबसे पहले देख पाएंगे जो इसकी आंसर की आएगी। आंसर की का मतलब ही दोस्तों होगा रिजल्ट, जितने नंबर उसमें शो करेंगे वो समझ लीजिए आपका रिजल्ट हो गया। तो सभी दोस्तों जो हमारे साथ जुड़े थे बिल्कुल घबराइए मत, अभी आपके आंसर की शो नहीं हो रही, थोड़ी देर बाद कर जाएगी, कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स में अपडेट तक नहीं हुआ, तो आप लोग को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आपके आंसर की बहुत ही जल्द आपके फोन पर डिस्प्ले हो जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमने आपको पूरा आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया होगा दोस्तों कि आप लोग को अपनी आंतर की कैसे देखनी है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखेंगे आप लोग। अगर आपको अपनी आंतर की देखनी है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8738079216 दोस्तों, ये हमारा नंबर है जिस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं अगर कोई आपको दिक्कत हो रही हो आंतर की देखने में, तो हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को खत्म करने से पहले हम एक आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि अगर दोस्तों अभी तक आपने आंतर की डाउनलोड ना की हो, अगर आपको एरर शो कर रहा है कि मतलब लिंक हैज बिन एक्सपायर्ड, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने चूक गए हो, आपसे खुला नहीं है दोस्तों, ये सभी के साथ हुआ है ऐसा, तो आप लोग इस पर बिल्कुल मत घबराइए, थोड़ी ही देर में बहुत ही जल्द आपको नई लिंक आपको मिल जाएगी जिसमें दोस्तों आप अपनी आंतर की को देख पाएंगे। तो आप लोग को दोस्तों इसमें बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। तो बस हम वीडियो को अंत करने से पहले हमने सोचा ये आपको बात बता दी जाए। तो एक बात और दोस्तों, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे सर कितने नंबर पर हम क्वालिफाई हो जाएंगे, जिन बच्चों ने 60 नंबर स्कोर कर लिया तो समझ लीजिए वो सेकंड राउंड में लगभग लगभग क्लियर अपने आप को समझ सकता है कि मतलब पहुंच गया है। तो दोस्तों आपके 60 नंबर ही आपको सेकंड राउंड में ले जा पाएंगे, अगर आपके 60 से कम नंबर है तो आपकी कैटेगरी वाइज आप पर निर्धारित होगी कि आपके साथ क्या होगा अगले राउंड में। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, आपके लिए जो स्पेशल लिंक आ जाएगी, तो सबसे पहले हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक आपको दे देंगे। ठीक है, ये लिंक आपको जो दिख रही है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहां क्लिक करके आसानी से अपनी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे।
तो दोस्तों वीडियो को खत्म करने से पहले बस हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप लोग बिल्कुल भी डरिए मत, आपके आगे ऑब्जेक्शन आएगा। अगर ऑब्जेक्शन आपको कैसे करना है, अगर आपको उसके भी पूरी विधि जाननी होगी तो हम आपको पूरी एक वीडियो बना के सिखा देंगे कि दोस्तों आपको ऑब्जेक्शन कैसे करना है। तो आप लोग को 50 रुपए देने होंगे दोस्तों, तो आप लोग 50 रुपए छोटी सी राशि है आप लोग जरूर दे दीजिएगा अगर आपको लगता है कि आप सही है। अगर आप सही होंगे तो ये 50 रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे, अगर आप गलत होंगे तो ये 50 रुपए आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों रेलवे ने सोचा कि इस पर भी थोड़ी बहुत कमाई कर ली जाए, तो चलिए ठीक है कि जो बच्चे गलत ऑब्जेक्शन करते थे उससे रेलवे को थोड़ा सा फायदा भी होगा कि गलत ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे, तो चलिए ठीक है कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको ऑब्जेक्शन की पूरी प्रोसेस पूरी विधि हम समझा देंगे, कैसे आपको वीडियो बना के कैसे ऑब्जेक्शन आपको करना होगा, एक एक सिंगल स्टेप सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको एक एक स्टेप सिखा देंगे कि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, सभी बच्चों को जाते जाते बेस्ट ऑफ लक, सभी बच्चों के अच्छे नंबर आए जिन्होंने इतने दिन से तैयारी की है रेलवे की। और दोस्तों सही है, सब अच्छी वैकेंसी है, सबको जॉब मिल जाएगी। तब तक मिलेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखेंगे दोस्तों सभी लोग।